निकाह मस्जिद में होना चाहिए। यह बात जो है शुरू शुरू में तो लोगों को अजीब सी लगी, लेकिन जो दलाइल मैंने दिए वो इतने कन्विंसिंग थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको तो लोगों ने बहुत जल्द कबूल कर लिया। हमारे लिए सबसे बड़ी दलील क्या है कि हुजूर का कौली हुक्म है, आलिनू हाजर निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान आम किया करो और मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। यह जामे तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है, अगरचे ठीक है उलमा का कहना यह है कि यहां जो वजअलू हो जो फेल अमर है यह वजूब के लिए नहीं है, इस्तेहबाब के लिए है, लाजिम नहीं है। अमर दोनों तरह का होता है, मुस्तहब है बेहतर है, तो सवाल यह कि बेहतर को क्यों छोड़े? जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेहतर करार दिया हो उसे क्यों छोड़े, किस दलील से छोड़े? हमें लाजमन इख्तियार करना चाहिए। फिर मैंने अर्ज किया हुजूर की बेटियों के निकाह मस्जिद में हुए तो हमारे यहां कौन है वो चौधरी और वो सरमाएदार तो जो समझे कि मेरी बेटी की तो तौहीन हो जाएगी उसका निकाह मस्जिद में हो। इस तरह बातें समझाने के लिए होती, हुजूर की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है, लेकिन किसी ने इधर तवज्जो दिलाई ही नहीं तो लोग क्या करें? इसमें उलमा की फेलियोर है सबसे बड़ी, और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे मौलवी आमतौर पर कमी कारी होते हैं, मुलाजिम होते हैं, देहात में तो उनकी हैसियत कमी कारों से ज्यादा होती ही नहीं, वो चौधरियों से कैसे कहे? आम शहरों में भी मसाजिद की जो मैनेजिंग कमेटीज होती हैं वो तो सरमायादारों पर, लोगों पर, ऊंचे लोगों पर मुल्तवित होती है, उनसे कैसे कहे? लिहाजा यह हदीस जो है बयान नहीं की गई, हदीस मौजूद है तिर्मिज़ी शरीफ की, आलिनु हाज़र निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। मैंने इस हदीस का हवाला दिया तो लोगों की आंखें खुल गई, जब कहा देखो अगर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मस्जिद में हो सकता है तो किसकी बेटी ज्यादा इज्जत वाली है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। तीसरी बात मैंने और दी दलील और इसमें गैरत को उभारा कि देखो ईसाइयों ने अब तक अपने चर्च और अपने पादरी की यह इज्जत बरकरार रखी है, उनकी शादी चर्च में होगी कहीं नहीं होगी, प्रिंसेस हो प्रिंस हो वहीं जाएगा। और इसमें मुझे एक वाकया याद आता है, जब शादी होने वाली थी प्रिंस एंड्रयू की, उसकी बीवी का सारा फर्गूसन जो नाम था और वो जरा नटखट किस्म की लड़की क्या औरत थी पूरी, तो उसने ये कहा था, उसका बयान आया था, आई विल नॉट से आई एम नॉट ए टिमिड टाइप ऑफ वुमन, आई वोंट से आई विल ओबे हिम। उससे मुझे मालूम हुआ कि उनके निकाह के अंदर यह कौल भी होता है कि पादरी के सामने चर्च में खड़े होकर, चूंकि उनके यहां पर्दा नहीं है, लड़का और लड़की दोनों आमने सामने खड़े होकर इजाबो कबूल करते हैं, और लड़की यह भी कहती है कि मैं इसकी ताबेदारी करूंगी। उसने कहा मैं नहीं कहूंगी, ये कहना तो पड़ा, उसके बगैर वो प्रिंस एंड्रयू की दुल्हन नहीं बन सकती थी, शादी जो है वो तो बहरहाल चर्च में हुई। हमारा मौलवी बेचारा बगल में दबाकर वो रजिस्टर और बैठा सूख रहा होता है, बारात तो अभी आई नहीं है, दो घंटे गुजर गए बैठा हुआ, ये उसकी हैसियत मुलाजिम की। ये वजह है, अब जब इससे भी गैरत जागी लोगों की, हाँ वाकई बात सही है, ईसाइयों के हाँ अगर अभी तक चर्च का ये मकाम है और पादरी की इज्जत है। चौथी दलील मैंने और दी, देखो निकाह से क्या होता है कि हमारे इस माशरे में एक नए खानदान की बुनियाद पड़ती है, उसके लिए दुआ करना खैर बरकत भलाई सआदत, ये इस निकाह का जुज होता है, लिखते भी है कि दुआ में शरीक हो। अब जाहिर बात है कि दुआ का माहौल, आपने बाहर जो है बड़े कालीन बिछा लिए कीमती और उनको कीमती सोफे रख लिए और बड़े सुनहरी किस्म के शामियाने लगा लिए, लेकिन वहां पर माहौल क्या होता है? सिगरेटें पी रहे हैं, धुआं सिगरेटों का, कहते लग रहे हैं, गीबतें हो रही हैं, और ये कि कोई भांड आ गए हैं, फोशगोई कर रहे हैं। उस हाल में कोई शख्स जो है कोने में बैठे हुआ मौलवी साहब जो मिन 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 करके वो कुछ पढ़ते हैं और कहते हैं दुआ कर लो। अब दुआ क्या, खाक कर लो? दुआ के लिए माहौल होता है, दिल की आमादगी होती है, जहनी और नफसियाती तैयारी होती है, तब दुआ होती है। ये माहौल हमारा
इसमें हम नमाज के लिए जमा हुए हैं, जुमे के लिए जमा हुए हैं, मस्जिद है, पाक माहौल है, लोग अपनी अपनी हद तक अच्छे कपड़े पहन के आए हैं और उसके अंदर इत्र भी लगाया है, हुजूर की सुन्नतें हैं ये, इस तरह जुमे की तैयारी किया करो। इस माहौल के अंदर कोई धुआं नहीं है सिगरेट का, कोई कहते नहीं है, कोई गीबतें नहीं हो रही हैं, कोई बकवास नहीं हो रही है, यहाँ दुआ का माहौल है। तो ये चार दलीलें ऐसी थी कि जो कातिल थी और हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात कि मस्जिद के अंदर निकाह की महफिल मुनक़िद की जाए, इसके लिए मैं समझता हूँ कि ज़रा सी तालीम और तलकीन अगर हो जाए और अगर हुकूमत की सतह पर यह काम हो, अभी तक तो ये मैं इंफरादी तौर पर हो चुके हैं, अब उसको 30 बरस मैंने जद्दोजहद की है, हमारी तहरीक के तहत हुई है, अगर कहीं ये सरकारी सतह पर हुकूमत की सतह पर हो जाए तो यकीनन ये है, मैं कहता रहा हूँ कि भाई बिरादरियों के सतह पर फैसला करो चलो, लेकिन सरकारी सतह पर हो जाए तो क्या कहें।